कहती है कि मेरी सास हमको ये बताती थी कि जब भी सेना के नौजवान यहाँ फायरिंग के लिए आए तो वो अपने हाथ में हसुआ या टांगी पकड़े रहे। सेना जब अभ्यास करने के लिए जाती है तो उसका उसको पूरा प्रैक्टिस तो रहता नहीं है। गोला कभी भी घूम करके किसी के टमाटर खेत में गिर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, ताकि टारगेट पर पहुँचे या ना पहुँचे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसी दौरान में गोला जो है इधर उधर जाता था, गिरता था, टारगेट एरिया में भी गिरता था। तब के समय में भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों का उसका जो छिट्टा पड़ता है वो हमारे लोगों के द्वारा कई अमानवीय व्यवहार हमारी माताओं के साथ और गोलाबारी से जो मृत्यु हो रही थी उसको देखते हुए और जो फसलें बर्बाद हो रही थी उन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए आग्रह किया था कि इसे रद्द किया जाए। तो हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो नेतरहाट से लगभग 200 किलोमीटर पद यात्रा करके यहाँ तक राजभवन के समक्ष पहुँचे। आइए उनकी पीड़ा को समझते और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक तो है कि हम जो पैदल चल के आए हैं हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो तकलीफ है उसको महामहिम जी सुनते हैं और उस पर गंभीरता के साथ विचार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें मालूम हुआ था कि हम लोग 18 तारीख को ही महामहिम राज्यपाल के पास अपना ये बात रखे थे कि हम आपसे नेतरहाट फायरिंग रेंज के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर है कि आगे भी वो हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और एक डेलीगेशन जो वो हमें आमंत्रित करेंगे तो हम निश्चित तौर पर आकर के उनके साथ बात करेंगे। क्यों आखिर क्यों इस चीज़ को आप लोग रद्द कराने में उतर आए हैं, इसके आखिर क्या कारण है, क्या कारण है इसके पीछे? एक तो है कि शुरुआती दौर में जब नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना जारी हुई, जब प्रैक्टिस हुआ उस समय में तत्कालीन जो पंचायत प्रतिनिधि थे और उन्होंने जो उस समय के स्थानीय जो सांसद थे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी उनके माध्यम से ये बात रखा था कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द किया जाए, ताकि उस समय में सेना के द्वारा कई अमानवीय व्यवहार हमारी माताओं के साथ और गोलाबारी से जो मृत्यु हो रही थी उसको देखते हुए और जो फसलें बर्बाद हो रही थी उन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए आग्रह किया था कि इसे रद्द किया जाए। क्या मतलब जो वो बम वगैरह फूटता था तो आप लोग के इलाके पे ही जाता था? हाँ एकदम। एक तो है कि सेना जब अभ्यास करने के लिए जाती है तो उसका उसको पूरा प्रैक्टिस तो रहता नहीं है। गोला कभी भी घूम करके किसी के टमाटर खेत में गिर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, ताकि टारगेट पर पहुँचे या ना पहुँचे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसी दौरान में गोला जो है इधर उधर जाता था, गिरता था, टारगेट एरिया में भी गिरता था। तब के समय में भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों का उसका जो छिट्टा पड़ता है वो हमारे लोगों के पास जमी रही है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गए, तो जो गोलाबारी होती थी वो परेशान करती थी, लेकिन महिलाओं वाली बात हमें समझ नहीं आई, कृपया हमारे साथ समझा करें। एक तो है कि पूरे चर्चा के दौरान जब भी फायरिंग होती थी ये कहा जाता था कि आप गांव खाली करके दूसरी ओर चले जाओ जी, लेकिन इसी दौरान में गोला उठाने के बहाने से या अन्य बहानों से सेना के जो जवान हैं वे लोग गांव की तरफ जाते थे और इस दौरान में किनारे ही सही गांव से दूर में ही सही जब हमारी माताएं बहनें पानी लाने के लिए अन्य चीज़ों के लिए जब वे लोग जो समूह जहां है वहां से हट करके चले जाते थे तो इस तरह की घटनाएँ घटती थी, जिसका एक सबूत भी है यानी कि दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है। हाँ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था, हमारे सर्वेक्षण से साफ निकला है कि सामूहिक बलात्कार से दो हमारी माताओं की मृत्यु हो गई है और प्लस है कि 28 ऐसे रेप सामूहिक बलात्कार के केसेस सामने आए हैं जो सर्वेक्षण से। पिछले दिनों जब हम लोगों ने अपने एक साथी के साथ क्षेत्र में भ्रमण किया था तब क्षेत्र की एक 65 साल की महिला ने अपने जो बयान दिया है वो काफ़ी भयानक है। वो कहती है कि मेरी सास हमको ये बताती थी कि जब भी सेना के नौजवान यहाँ फायरिंग के लिए आए तो वो अपने हाथ में हसुआ या टांगी पकड़े रहे और जब भी अपनी सुरक्षा के लिए वो हाँ पकड़े रहे और जब भी सेना के जवान आपके समीप आए वो साफ शब्दों में बोलती है आप उसका गला रेत देना, मतलब हसुआ से गला रेत देना। कि पिछले मतलब जो पिछला कहानी गुजर चुका आप लोग के साथ, पिछले जो दुख पीड़ा आप लोग सह चुके हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है तो हसुआ लेकर या कुल्हाड़ लेकर उनको मार भी व्यक्ति नहीं सेना के जवान यदि आते हैं तो। और ये घटनाएं करीबन आज से 94 से पहले की है, जो 64 से 94 के बीच में जो फायरिंग अभ्यास होता था उस समय की है।
अब है कि अगर इस तरह की घटनाएं घटी है जिन्होंने, जिसकी उम्र आज 65 साल है, उस समय वो नौजवान रही हो और उन्होंने जब इस तरह का बयान दिया है कि उनकी सास कहती थी, जब उनकी सास कहती थी तो निश्चित तौर पर है कि ये काफ़ी गंभीर मामला है। जब हम उन तमाम इतिहास को जानते हैं तो अब हम सेना को कैसे दे सकते हैं सेना? तो उन्हीं चीज़ से सुरक्षित रखने के लिए अपनी घर महिलाओं को, अपने खेतों को, अपने जानवरों को और अपने जंगल झाड़ को सुरक्षित रखने के लिए आपने ये पैदल मार्च निकाला और आप पद यात्रा करके इतने दूर पहुंचे और उसी चीज को खुद को बचाए रखने के लिए आप आज महामहिम को अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम जेरम जलाल कुजूर है और मैं केंद्रीय जनसंघ समिति के जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूं।